Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अनम काजमी. जी बिल्कुल. और मैं और अनम जो हैं वो आज ये सोच रहे थे कि आज हम किन किन मौजूदात के ऊपर बात करेंगे. तो डेफिनेटली आज हम टॉप स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कल की अहम टॉप स्टोरी के हवाले से, जो कि है अफगान अमन अमल के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कई दफ़ा इस तरीके से डायलॉग की कोशिश की गई, कई दफ़ा तालिबान को मेज़ पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई डेडलॉक आ जाता है जिसके बायस ये मुज़ाकरात, ये मामलात आगे नहीं बढ़ पाते हैं. लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि अमेरिका की जो भी पॉलिसीज रहीं पाकिस्तान के टुवर्ड्स, या फिर उसने भारत के हवाले से जो भी बात की, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल का दौरा किया, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका का दौरा किया, तो एकदम से हमने देखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन एक मेज़ पर आए और इन्होंने सोचा कि जी अब डायलॉग का टाइम है, अब डायलॉग करना चाहिए. जैसे कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की कोशिशों के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है. तो कल इस तरीके का इजलास हुआ. इजलास में जो है इतनी ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये मुज़ाकरात की जानिब एक पहला कदम है जो कि पाकिस्तान की जानिब से रखा गया है. और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि ये एक मिसबत हिकमत अमली है. अब देखना यह है कि हम अफगान तालिबान को कैसे एक मेज़ पर ला सकते हैं, कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इवन अमेरिका के लिए खुद भी एक मसला कश्मीर सा बन चुका है. देखा जाए तो अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है. वहीं अमेरिका ने जहां पर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान की कुर्बानियों को मुस्तरद किया, वहां से पाकिस्तान को काफी ठेस पहुंची. लेकिन उसके बाद से अमरीकी पॉलिसी में कुछ नरमी दिखाई दी, उसके बाद से ख्वाजा आसिफ ने अमरीका का दौरा किया, उसके बाद से सिफारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया गया. तो हमने देखा कि चंद ही हफ्तों में, चंद ही महीनों में इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि ये चारों ममालिक जो हैं मस्कत में सर जोड़ कर बैठे और इजलास की कोशिशें की गईं. ताहम उसी हवाले से अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि जैसे ये अफगान अमल का इजलास शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ, डायलॉग की बात करना शुरू की गई, वहीं हमने देखा कि कुरम एजेंसी में भी ड्रोन हमला कर दिया गया. तो हम वही बात करते हैं कि कुछ इस तरह के अनासर हैं जो कि इस पीस डायलॉग को होने नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि हम पीस डायलॉग करें और इस खत्ते में अमन लेकर. बिल्कुल जनाब, जैसे कि सबा ने बताया है कि हम किन किन मौजूदात पर शो में बात करेंगे, उनमें इंटरनेशनल स्टोरीज में पीस टॉक इस वक्त मरकज़ निगाह है, जिसके साथ साथ नेशनल स्टोरीज में भी कल एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें इमरान खान ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला कर लिया है. वो जिनकी पार्लियामेंट में हाजिरी भी कम रहती है और अदालतों में बुलाने पर भी पेश नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बुलाने पर अचानक से लब्बैक कह दिया. तो कहानी भी ट्विस्ट कुछ यूं है कि पेशी तो दे रहे हैं लेकिन कुछ दबंग अंदाज में, और इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाने के लिए भी उन्होंने भरपूर कानूनी जंग की तैयारी इस वक्त कर ली है, प्लानिंग की जा रही है उनकी टीम की जानिब से. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया वो गिरफ्तारी के डर से किया गया, या फिर वाकई पीटीआई अपने मौके पर कायम है कि इलेक्शन कमीशन से फरीकी किरदार अदा करती आई है और पीटीआई को निशाने पर रखा हुआ है. तो क्या अब इमरान खान को भी अपने केसेस की बुनियाद पर ना अहल ठहराया जाएगा? इस सब समेत बहुत से दीगर अहम सवाल पर आज के शो में हम बात करेंगे और साथ साथ क्रिकेट के मैदान से भी कुछ अच्छी खबरें शेयर करेंगे. कल एक सनसनीखेज मैच के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका के मुकाबले में दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी जीत लिया, और पूरी टीम को मुबारकबाद और डबल मुबारकबाद इसलिए कि लंकन T20 सीरीज खेलने के लिए भी पाकिस्तान आने का फैसला कर चुकी है, पाकिस्तान आने पर आमादा हो चुकी है. तो बड़ी जबरदस्ती खबरें हैं, मिलकर सेलिब्रेशंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर. अफगानिस्तान में अमन कैसे कायम किया जाए? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल चार ममालिक के नुमाइंदों की मस्कत में बैठक, शुरका का अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर जोर. एक अदालत बनी हुई है इलेक्शन कमीशन और मुझे कंटेंप्ट पे बुलाया हुआ है. मैं इमरान से कहूंगा कि खुद चले जाए, आज ही चले जाए. इलेक्शन कमीशन एक अदालत का काम कर सकती है? गिरफ्तारी का डर, इदारों के सामने सर तस्लीम खम या मामला कुछ और? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला कर लिया.
और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जहां 80 के लगभग ऐसे घर हैं जिनकी सरबरा बेवा औरतें और इन घरानों के अफराद यतीम बच्चे हैं। और ये तमाम स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। अखबारों में सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान की जानिब से एक परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस जो दी गई कल के मैच के हवाले से बातचीत करेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान का दूसरा T20 जो इंटरनेशनल मैच हुआ है वो भी पाकिस्तान ने जीत लिया है वनडे इंटरनेशनल, और कल काफी जबरदस्त मैच देखने को आया। पहले हम देख रहे थे कि बैटिंग लाइन हमारी आ रही थी जा रही थी और बहुत फ्लॉप दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही शादाब और बाबर आजम आए और उन्होंने वहां पर क्रीज के ऊपर जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है कमाल कर दिया, और हमने देखा कि कल इसी बिना पर शादाब को भी जो है वो मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। जबकि बाबर आजम के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि बाबर आजम जिस तरह वनडे में परफॉर्म करते हैं ये T20 में इस तरह की परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं दे पाते। बड़ी ही जबरदस्त मैच की जो परफॉर्मेंस इन लोगों की जानिब से कल देखने में आई। प्लस ये कि कल जो मैच हम लोग जीते हैं उसके बाद एक अच्छी खबर जिसको मैं अभी अपने इंटरव्यू में बता रही थी आप लोगों को कि श्रीलंकन टीम भी पाकिस्तान आ रही है, साथ साथ जनाब वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान आ रही है। तो बड़ी जबरदस्त खबरें हैं पाकिस्तानियों के लिए, एक बार फिर से हमारे इंटरनेशनल जो क्रिकेट बहाल हो रही है और हमारे स्टेडियम्स की रौनकें जो हैं वो बहाल हो रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, स्टेडियम्स की रौनकें बहाल हो रही हैं और पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और अगर वनडे की बात की जाए और सरफराज उसके कैप्टन हों तो डेफिनेटली ये टीम जीत ही जाती है। मुझे पता था कि क्योंकि सरफराज कभी धोखा नहीं देंगे तो इस दफ़ा भी उन्होंने वनडे T20 में धोखा नहीं दिया हमें। कल का जो हमारा मैच था वो बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की, और जंग मेरे पास है तो जंग में यहाँ पर कैनेडियन जोड़े के हवाले से मेन खबर लगाई गई है जिसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल से बताया था। अमरीकी कुरम एजेंसी में अमरीकी ड्रोन हमला किया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए डार साहब के हवाले से, तो डार साहब के हवाले से यहाँ पर खबर मेंशन है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जी मईशत के बारे में बड़ी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं क्योंकि मईशत जो है वो तो मुस्तहकम हो रही है और आलमी बैंक जो है, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आलमी बैंक का कहना है कि मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर आलमी बैंक की रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी है कि आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट में गलत बयानी की गई थी क्योंकि GDP जो है वो 9% बताई गई थी लेकिन एक्चुअल जो है वो 6% है। तो इस हवाले से जो है डार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी मईशत मुस्तहकम हो रही है, आगे आके हम मजीद काम करेंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात की जाए, बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा है कि मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिल्कुल जनाब, इसहाक डार के हवाले से आप बात कर रही हैं तो इसहाक डार की जब कल पेशी हुई उसके बाद हमने देखा कि दानियाल अजीज़ भी, अनुशे रहमान भी, ये दोनों मैदान में आए और बहुत ही सख्त बयानात जो हैं वो दिए गए क्योंकि उनकी हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। जिसके बाद हमने देखा कि दानियाल अजीज़ जो हैं वो भी बड़े बोल्ड तरीके के साथ आए और सामने बात करने लगे कि हम लोग भी अगर चाहें तो हम लोग भी कमर दर्द का बहाना करके या अस्पताल का बहाना करके जो है वो खिसक सकते हैं, लेकिन हम लोग पेश हो रहे हैं और हमारी फिर भी सस्ता की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अनुशे रहमान की जानब से भी इस तरह के बयान सामने आए और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये इमरान खान जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई नहीं पकड़ता, फिर किस बात का डर है अदालतों को, क्या अदालतें डरती हैं इमरान खान से। इस तरह के बयान हमने देखा कि अनुशे रहमान हो चाहे दानियाल साहब हो, इनकी जानब से इमरान खान के अगेंस्ट आते रहे। अच्छा, यही खबर इमरान खान के इलेक्शन कमीशन में पेश होने की खबर जैसे ही कल सामने आई उस हवाले से हमने देखा कि टॉक शोज में गुफ्तगु भी शुरू हो गई और बहुत से सवाल उठना शुरू हो गए, जिसके बाद इमरान खान ने यह फैसला किया कि हम अब अदालत के सामने पेश होंगे। तो अब ये डर के फैसला किया गया है या फिर कोई और पॉलिसी है, कोई और प्लानिंग है उनकी, ये तो वक्त के साथ से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर वो खुद से सभा अदालत में पेश होने की बात कर रहे हैं तो क्या फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या इस तरह से पेश किया जाएगा 26 अक्टूबर को? अब ये हमें मोस्टली देखिए, उनके साथ जो है वो पूरी लॉयर्स की एक टीम है और बड़े बड़े मायनाज वकील उनके साथ हैं, बाबर आवान है, नईम बुखारी है, लेट्स सी कि वो क्या लाहेमल पेश करते हैं। उनके केस के हवाले से यही कहा जा रहा था कि पहले जो है उन्होंने नियाजी सर्विसेज के हवाले से जो है बयान में कॉन्ट्रडिक्शन दी थी, उसके बाद उन्होंने खुद कबूल किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने खुद कबूल किया कि हाँ जी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी पहले वाले बयान में, लेकिन अब जो है सारी मनी ट्रेल हमने जमा करा दी है, फवाद चौधरी भी ऐसा कहते हैं। और अनुशे रहमान की बात कर रही थी अनम, तो अनुशे रहमान साहिबा जो है उन्होंने कहा जी इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन इजलास में आए और वहाँ पर आने के बाद जो है उन्होंने वो ऐसे खुलेआम बयान दे रहे हैं, खुलेआम जो है वो इजलास कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? तो अनुशे रहमान साहिबा से हम यही
कहेंगे कि हुकूमत भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, गवर्नमेंट भी आपकी है, ये सवाल करना आपका बनता नहीं है कि उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। अच्छा, कुछ और अगर मैं अहम खबर शामिल करूँ तो यहाँ पर LOC के हवाले से खबर है जिसमें जो है एक दफ़ा फिर से LOC पर खिलाफ वर्जी की गई है और भारत की जानिब से हर्जा सराई जारी है। और इसके अलावा कोर कमांडर रावलपिंडी जो है उन्होंने भी LOC का दौरा किया है और साथ साथ उन्होंने मज़ाहमत की है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो आदत है, हमारी जो एटीट्यूड है वो भारत की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पार रहने वाले भी कश्मीरी हमारे भाई जैसे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद शहरों से खबरें शामिल करते हैं। और सबसे पहले आज हमारे पास जो शहर है वो है वफाकी दारुल हुकूमत। बिल्कुल जनाब, इस्लामाबाद से कुछ अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासिर नजर मौजूद हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा, आज शहर में कौन कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, मौसम की सूरत हाल क्या है और क्या क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताएं आज जहांगीर तरीन और इमरान खान की नाइली के हवाले से केसेस की समाअत है। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में आशिया गुल अली और जो दीगर केसेस हैं आज उनकी भी समाअत है। और जो सेनेट कमेटी है, ख़ास तौर पे पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई थी जो नैब कवानीन के हवाले से, आज उसका भी इजलास है। इस तरह दीगर जो पार्लिमानी कमेटीज़ हैं उसके भी इजलास हैं। तो इस तरह मजमू तौर पर आज भी सियासी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह आज बनी गाला में तकरीबन 400 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के या जो प्रोफेसर हैं वो आज आ रहे हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए। उनका कहना था कि आज वो बनी गाला पहुँचेंगे और वहाँ पर जो बनी गाला के इमरान खान की रिहाइश गाह है उसका घिराव भी करेंगे। तो आज उनकी भी आमद यहाँ मुतवक्के है। तो इस तरह मजमू तौर पर शहर अच्छा, जो टीचर्स पहुँच रहे हैं नज़र बनी गाला, जो टीचर्स पहुँच रहे हैं उनके मुतालबात क्या हैं? उनको तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं रेगुलर किया जाना था, लेकिन उन टीचर्स का कहना है कि उन्हें बारहा ये कहा गया कि उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से हिकमत अमली तय नहीं की गई। जिसके बाद वो पहले भी एहतजाज कर चुके हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से जितने भी जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो आज तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ बनी गाला पहुँचेंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। साथ आप मौसम के बारे में पूछ रही थी, तो यहाँ मौसम खासा खुशगवार है। हल्की सर्दी होना शुरू हो गया है, रात के वक्त जो है ज्यादा सर्दी होती है और दिन को जब धूप निकलती है तो मौसम थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो इस तरह मजमू तौर पे शहर इक्तदार का सियासी मौसम भी बदल रहा है और जो साथ साथ दूसरा मौसम है इस पर है, जहाँ सियासी मौसम बदल रहा है वहीं मुल्क में जो है वो बदल रहा है। शहर इक्तदार का मौसम काफी खुशगवार है और मुझे नहीं पता कि लाहौर का मौसम कैसा है, क्योंकि कराची का मौसम में तो अभी फिर भी पेशनगोई दोबारा से की गई है कि जी गर्मी बरकरार रहेगी। मुझे तो लग रहा है वाकई में अभी तक हीट वेव जो आई थी ना कराची की वो गई नहीं है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि आप AC के बगैर अभी तक गुजारा नहीं हो पा रहा। लाहौर में भी मौसम बदल रहा है, इस्लामाबाद में भी बदल रहा है और हमारे सियासी माहौल भी कुछ बदल रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी कुछ खबरें हम शो में शामिल करेंगे, कुछ मजेदार चटपटी सियासी खबरें, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज जनाब, शायकीन क्रिकेट जहां पर 29 अक्टूबर का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पूरे मुल्क में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हलचल मची हुई है। और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और स्पोर्ट्स तजियाकार और इंतहाई सीनियर कमर अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आर शो, और बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के अगेंस्ट एक स्पोर्ट्स की सिचुएशन चल रही है जिसमें हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी अब सियासत आ गई है कहीं ना कहीं, उसके हवाले से बात करना चाहेंगे और बताइएगा कि ओवरऑल जो मैच कल हम जीते हैं हारते हारते उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये वनडे क्रिकेट जो होती है ये एक लॉटरी है और एक तमाशा है, ये असल क्रिकेट नहीं है। ठीक, असल क्रिकेट की माँ जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। अच्छा, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। ठीक, तो ये मनी स्पिनिंग बिजनेस है। सही, और मैंने 732 वनडे मैच कवर किए हुए हैं शुरू के 8 वर्ल्ड कप। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं वनडे क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं टीवी पे भी नहीं देखता इसलिए कि मैं बोर हो जाता हूँ 2 सेकंड में। सही, तो लेकिन ये मनी स्पिनिंग बिजनेस है, इसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है क्योंकि पैसे जनरेट करती है। ठीक है, तो जहाँ तक ये मैच का ताल्लुक है श्रीलंका और पाकिस्तान के, तो मैं 2 टेस्ट की कवरेज करने के बाद UAE में फिर मैं फर्स्ट वनडे में जहाँ पाकिस्तान ने 85 रन से जीता था वहाँ मैं सिर्फ लंच खाने चला गया था। अच्छा, तो और लोगों से मिलने अपने दोस्तों से कमेंटेटर से जी, लेकिन बात दरअसल ये है कि 2 टेस्ट हार गई पाकिस्तान जी और जीते हुए मैच हार गई जी। बिल्कुल, तो टेस्ट क्रिकेट और वनडे में फ़र्क यही है कि वहाँ पर सही माने में इंसान का टेस्ट होता है किसी भी खिलाड़ी का स्किल और टेक्निक और टेम्परामेंट का, इसीलिए इसे टेस्ट क्रिकेट कहते हैं।
थोड़ी सी लंबे ड्यूरेशन का ही गेम होता है। अच्छा। ये 50 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच होता है, वन डे क्रिकेट लिमिटेड ओवर, तो इसमें टेक्निकली इतना साउंड होना जरूरी नहीं है। इसमें तो बस आप बल्ले चलाए और मतलब जिसका तुक्का लग गया उसका जिसका तुक्का लग गया वो जीत जाता है। ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है जी। वो मैच जीत जाती है। तो पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में खराब खेली, हार गई जी। वन डे क्रिकेट में अच्छा खेल रही है, जीत रही है। अगर एक मैच और जीतेंगे तो सीरीज भी जीत। अच्छा सर, ये जानना चाहूंगी कि कल जब हमने मैच देखा तो उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, और बाबर आजम ने वन डे में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन जब भी टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक तनकीद का भी शिकार हो जाती है। क्या वजह है आपकी? यही बात मैंने अभी आपसे यही आप टेस्ट जो है वो उसमें वाकई में इंसान का पता चलता है कौन प्लेयर है कौन नहीं। टेस्ट में सही मानों में खिलाड़ी का पता चलता है कि इसमें कितना टेम्परामेंट है, कितना स्किल है। क्रिकेट ये अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। आजकल के जमाने में चूंकि वनडे की टीम ज्यादातर अलग होती है टेस्ट की, टेस्ट फास्ट के जो फास्ट बॉलर और स्पिनर होते हैं वो स्पेशल क्वालिटी के हामिल होते हैं और उनकी स्किल वनडे क्रिकेट वनडे तो यह ना कि एक बॉलर ने 10 ओवर फेंकने हैं 50 ओवर के, और ये T20 में 5 ओवर फेंकने हैं, उसमें आप किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें टेम्परामेंट और स्किल क्या है। बाबर आजम को मैं देख रहा हूँ शुरू से, ये कोई 7 सेंचुरियाँ मार चुके हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन इनकी टेस्ट क्रिकेट भी मैंने रिकॉर्ड तो बनाया है इन्होंने, लेकिन टेस्ट में पता नहीं क्या होता है। अच्छा सर, ओवरऑल बात की जाए तो वनडे क्रिकेट का जो फीवर है वो कंपैरेटिवली टेस्ट क्रिकेट के फीवर से जो है वो बहुत कहीं ज्यादा है। हम देखते हैं कि जब टेस्ट मैचेस चल रहे होते हैं तो शायद शायकीन क्रिकेट उसको उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से वनडे क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है कि जी झटपट फैसला हो जाता है आज हारे या जीते। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी मशहूर हो गई है, इतना एक दिन में ही हार जीत का फैसला हो जाना, उसकी क्या वजह है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्योंकि यही कहा जाता है कि जी टेम्परमेंट चेक करना या स्किल्स चेक करनी है तो वो आप टेस्ट प्लेयर को ही चेक कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट, तो हमारे यहाँ क्यों लैक है इतना, हमारे प्लेयर्स के अंदर क्यों इतना टेम्परमेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है? टेस्ट क्रिकेट जो है वो 18 से इस तरह बर्दाश्त वहाँ जा करके, जैसे कि मैं तो पूरी दुनिया के सारे ग्राउंड देखा हुआ हूँ, तो क्रिकेट वहाँ पे असली क्रिकेट उसी वक्त होती है जब आपके मुल्क में हो और आप अपने मुल्क में मेजबान हो, आप होस्ट करें टीमों को और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आप देखिए इंडियंस देखे ना सर, वो अपने होम ग्राउंड पे खेल खेल के इतने आगे आए। जब अटैक हुआ था तो जो लड़के 10 साल के थे पाकिस्तान में, अब वो टीनएजर्स हैं, 18 साल 19 साल के हैं, उन्होंने वो तमाशा देखे नहीं है, वो सीन ही नहीं देखा है, वो एंथुसियाज्म नहीं देखा है पाकिस्तान के ग्राउंड्स का। सही, ये सबसे बड़ी ट्रेजडी है पाकिस्तान की। सही। अच्छा सर, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है कि पूरी दुनिया में बहुत माना जाता है टेस्ट क्रिकेट को, और आप इतने साल इंग्लैंड में रहे हैं और साथ साथ आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के नाम से जो है वो हमारे चंद नाम ही मंसूब होते हैं कि जी मिसबा है तो टेस्ट शायद हम जीत जाएंगे, यूनुस खान है तो शायद हम टेस्ट जीत जाएंगे, लेकिन अगर कंपेयर करें बाहर की टीम्स को तो उनके यहाँ अगर एक प्लेयर आता है तो उसका कोई निमल बदल होता है, कोई अल्टरनेटिव होता है, तो पाकिस्तान ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं रखता कि अगर एक प्लेयर जा रहा हो यार वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हो तो एटलीस्ट पूरी क्रिकेट टीम या पूरी जो है वो गेम को नुकसान ना पहुंचे और क्रिकेट चलती रहे एटलीस्ट। प्रॉब्लम ये है कि लोगों की इज्जत करना नहीं जानते। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी जैसे मिसबाह उल हक है या यूनुस खान था जी, और उससे पहले भी लोग जो लोग टीम को खैरबाद करते हैं तो उनको बड़ा ऑनर दिया जाता है, उनकी बड़ी इज्जत होती है। हमारे यहाँ वो गुमनामी के एटमॉस्फेयर में लोग चले जाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी बड़े बड़े मैंने उनके खिलाफ खेला भी हूँ मैं 50-60s में, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख कर, जब चूंकि मैं विलायत में ज़्यादा रहा हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा, तो वहाँ पर जो इज्जत देते हैं जी किसी नामवर खिलाड़ी को, किसी अच्छे आदमी को, वो उसकी बड़ी कमी, यहाँ पर लोग टांगे खींचते हैं। अच्छा ठीक है, लेग पुलिंग करते हैं लोगों को, बजाय इसके कि इज्जत दें उसको, इज्जत दें। हाँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और ये है सही इंफ्रास्ट्रक्चर से सही लोगों जो स्पोर्ट्स को कंट्रोल करें या किसी भी शोबे को कंट्रोल करें जी, तो उससे ये सब चीजें सीखी जाती है। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और लॉ एंड ऑर्डर, जिस जगह लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होता है किसी भी शोबे में, चाहे स्पोर्ट्स हो, सियासत हो, कोई भी चीज हो, तो वहाँ पर हर चीज हैजर्ड होती है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। वाकई में टीम में डिसिप्लिन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, उसमें आप कामयाबी हासिल कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे माल्टा की।
माल्टा में कार बम धमाके में पनामा पेपर्स के राज फाश करने वाली खातून सहाफी डेफी कारोना ग्रेजर को कत्ल कर दिया गया है। मारूफ खातून सहाफी माल्टा के वजीर आजम और इसके बेटों की करप्शन के शफाहत इकट्ठे कर रही थी और इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये और एक बड़ी खबर भी है ये माल्टा से। लंदन के इलाके पार्सन ग्रीन स्टेशन पर नामालूम हमलावर ने चाकू के वार करके एक लड़के को हलाक और दो अफराद को जख्मी कर दिया। वाकये के बाद पुलिस ने पार्सन ग्रीन स्टेशन बंद कर दिया जबकि सीसीटीवी की मदद से मुलजिम की तलाश अब भी जारी है। और स्पेन और पुर्तगाल के जंगल में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। अब तक 35 अफराद जलकर हलाक हो चुके हैं जबकि सैकड़ों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। तो हमने देखा कि एक बड़ी और अफसोसनाक खबर सामने आई कि वो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पनामा पेपर्स के हवाले से भी काम किया था उनको उनकी हलाकत की खबर सामने आई है और यही कहा जा रहा है उनसे कि उनकी जो वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ करप्शन के शवाहद इकट्ठे कर रही थी। तो दिस इज़ वेरी सैड और इसकी भी तहकीकात होना चाहिए। डेफिनेटली माल्टा में भी इस हवाले से मजीद इकदाम किए जाएंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिसके चेयरमैन ने आखिरकार इलेक्शन कमीशन में फैसला कर ही लिया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान पेशी पर इलेक्शन कमीशन को इसकी कारकर्दगी का आईना दिखाएंगे और 40 नुकाती एतराजात भी पेश करेंगे। एक अदालत बनी हुई है इलेक्शन कमीशन और मुझे कंटेंप्ट पे बुलाया हुआ है। मैं इमरान से कहूंगा कि खुद चले जाए, आज ही चले जाए। इलेक्शन कमीशन एक पार्लियामेंट में हाजिरी कम देने वाले और अदालतों के बुलाने पर पेश ना होने वाले इमरान खान ने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला कर लिया। पार्टी की सीनियर कयादत में अहम बैठक हुई जिसमें कप्तान की पेशी का फैसला किया गया। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी जंग भरपूर तरीके से लड़ी जाएगी। इजलास के शुरका ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की भी हिमायत की और कहा कि सियासी जमात अपना नुक्ता नजर बयान करने का पूरा हक हासिल है। तनकीद और तहफुजात को रोकना जमहूरी और सियासी इख्तदार पर कदगन के मुतरादिफ है। इमरान खान ने पेश होने का फैसला तो कर लिया है लेकिन इस फैसले के बावजूद वारंट की तकमील में गिरफ्तार किया जाता है या नहीं इसका फैसला 26 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान में सियासतदान गिरफ्तारी के बाद बैरूनी मुल्क चले ही जाते हैं लेकिन इमरान खान के हवाले से भी ये बात की जा रही है और ज्यादातर हल्के सियासतदान के यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इमरान खान को भी नाहल कर दिया जाए तो शायद वो भी मुल्क से बाहर चले जाएं, लंदन चले जाएं। तो इस तरह की से भी जन्म ले रही है क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सियासतदान हैं जब उन पर नाहली के इल्जाम लगे और नाहल उन्हें करा दे दिया गया तो उनकी पूरी पूरी फैमिली जाकर लंदन बैठ गई। इसमें नवाज शरीफ सर फहरिस्त है और उसके साथ साथ उनके बच्चों की बात की जाए हसन हुसैन नवाज वो तो अपनी यहाँ पर पेशी के लिए भी नहीं आ रहे। मरियम नवाज की बात की जाए तो वो भी अपनी मदर के नाम से वहां पर अक्सर बार बार जो है उनके भी चक्कर लग रहे थे लेकिन आज मौजूद है। तो ये केसेस जो है इस तरह के चल रहे हैं और अब इमरान खान के ऊपर भी इस तरह का केस आ रहा है तो डेफिनेटली इससे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सवालात तो उठेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी कोई कम केसेस तो नहीं है। उनको भी अपनी पूरी की पूरी मनी ट्रेल जमा करा खान साहब के हवाले से भी जो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई है उसके बाद से अदालत को वो इतना एतमाद में नहीं ले सके, इतना ज्यादा वो कन्विंस नहीं कर सके, इतने ज्यादा जो उनके एविडेंस थे उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन थी। तो साथ साथ अब ये बात सामने आई है कि जी फाइनली अब वो पेश होने जा रहे हैं और देखना यह है कि अब क्या फैसला होने जाता है क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से भी ये बात गर्दिश कर रही है कि अगर वो हो जाते हैं या वो भी अपनी मनी ट्रेल जो है बाकायदा तौर पर जमा नहीं करा पाते हैं तो फिर एक्चुअली होगा क्या। फिर उनके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की कोई चीज पेश आती है तो उनके बाद पार्टी की आदत जो है वो किसके हाथ में जाएगी, पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा क्योंकि जब नून लीग के ऊपर ये तमाम केसेस थे और नून लीग के ऊपर जब शुरू में प्रेशर था
तो ये आ रहा था कि जी नून लीग के बाद अब कौन क्यादत संभालेगा, तो मरियम नवाज का नाम जो है वो सामने आया। लेकिन ओवरऑल पीटीआई की जो सिचुएशन है, पीटीआई का जो स्टांस है, पीटीआई के जितने भी रहनुमा है वो बड़ा कॉन्फिडेंट लगते हैं, इसीलिए शायद उनका कोई प्लान बी नहीं है। इन तमाम तर बातों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी सलीम साफी साहब ने। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले सलीम साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिसके बाद अब उन्होंने पेश होने का भी फैसला कर लिया है और उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जनाब अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाहल करार दे दिया गया तो फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आप देखिए तो इमरान खान साहब पाकिस्तान में एक सियासत में एक अनोखे सियासी लाडले के तौर पे वो शोहरत पा गए हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का वो दूसरों से मुतालबा करते हैं अमल नहीं किया। फिर ये कि हमने देखा कि इस वक्त ख़ुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनके मुकदमे जिस सूरत के साथ चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब के मुकदमात में भी वो सूरत नज़र नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि इस गलती के भी खुद मौजूदा हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि देखे कि अगर इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया जिस पर कोई नहीं लिया गया हुकूमत से की तरफ से, फिर ये कि बाद में मुकदमात की उस शिद्दत के साथ पैरवी नहीं की गई और उनके एमएनएज ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था, असम्बली को गाली, 7-8 महीने वो गए भी नहीं। अब इस हुकूमत ने ख़ुद मना के उनको गैर कानूनी तौर पर असम्बली में बिठा दिया और उनको उन 7-8 महीनों की तनख्वाहें भी अदा कर दी। मामला तो चलता रहेगा, मेरे ख्याल में मेरिट पे भी उनके इतने ज़्यादा मुकदमात हैं, इतने ज़्यादा मामलात हैं कि उनके मुकम्मल तौर पर बरी होने का इम्कान भी कम है। अच्छा ठीक, अच्छा मुकम्मल तौर पर बरी होने का इम्कान भी कम है, डेफिनेटली अब क्या होने जा रहा है ये तो अब वक्त ही बताएगा। सलीम साफी साहब, इमरान खान के ओवरऑल अगर जूनियर की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के बार बार बुलाने पर भी वो गए नहीं, पर भी निकले, साथ साथ उन्होंने धमकियां भी दी, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर इमरान खान भी नाअहल हो जाते हैं तो फिर आगे का लाहे अमल क्या होगा, इस पर मजीद क्या बात की जा सकती है? मैं तो आईनी और कानूनी मामलात को नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि एक तो मकाफात अमल का कानून है। अच्छा। और अभी तक हमने देखा है कि देखें किसी ज़माने में मियां नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे, बाद में वो खुद उनके तौक बन गए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ किया बेनज़ीर भुट्टो के साथ, आज वही सब कुछ मकाफात अमल के कानून के तहत मियां नवाज शरीफ के साथ हो गया। जी, मियां नवाज शरीफ ने उनको नाजायज़ तौर पर सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। एक ऐसा वक्त आया कि इमरान खान, उनकी पार्टी, वो माजी के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून बन गई और उन्होंने उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देना शुरू किया। फिर इमरान खान जिन कुव्वतों के कहने पर नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को इंडियन एजेंट और क्या कुछ कहा था, अब उन्हीं कुव्वतों के ईमा पे इमरान खान और कादरी जैसे लोग वो उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देने लगे। तो यही मकाफात अमल के कानून के तहत सही। मेरा तो अपने ज़ाती हद तक ये अकीदा है कि वही कुछ जल्द या बदेर लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी होगा जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो गया है। फिर ये कि केसेस में भी बड़ी मुमासलत है। अच्छा। जिस तरह आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब का वो मनी ट्रेल अपना नहीं साबित कर सकते थे, इसी तरह इमरान खान साहब भी नहीं कर सकते, वो कतरी शहजादे का खत ले आए, इसी तरह जो है इमरान खान साहब वो एक दूसरे शहजाद साहब का खत ले आए। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो किस्सा बयान कर रहे थे कि जी हमारा कतरी के साथ कारोबार था और वहाँ से ये पैसे आए और उससे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए, इसी खान साहब के इस मौके पे यकीन करना मुश्किल है कि आखिर अगर तो एक मियाँ अपनी बीवी से रकम लेते हैं तो उसके लिए एक थर्ड पर्सन के और उसके अकाउंट्स को क्यों। नवाज शरीफ का मौक़ नाकाबिले यकीन था, तो इमरान खान साहब का भी
नाकाबिल यकीन है। और फिर इमरान खान साहब के तो केसेस भी बहुत ज्यादा है। फिर एक और चीज ये थी कि आर्टिकल 62-63 को कभी अप्लाई नहीं किया गया था मुकदमात में जी। और पहले से सब लोगों की ये राय थी अप्लाई किया गया तो फिर उसके सामने आने वाले किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तो अब चूंकि अदलिया ने इमरान खान साहब के और शेख रशीद सिराजुल हक साहब के इसरार पे आर्टिकल 62-63 को अप्लाई करना शुरू कर दिया है तो वो अगर इमरान खान साहब या जहांगीर तरीन साहब के मामले में अप्लाई होता है। सर अभी आपने बात की है कि दोनों का केस जो है बहुत है, जबकि इमरान खान की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि मेरा जो केस है उसमें मैंने 1,00,000 pounds के जो तफसीलात है वो जमा करवा दी है, जबकि नवाज शरीफ साहब कतरी खत ले आए थे। तो अभी सिचुएशन कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम को तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर ही रही है और बाबर अवान का इस पर ऐसा कहना है कि सिर्फ पीटीआई इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं, क्या बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ पार्टी बनकर काम कर रही है? अब एक पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन में कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा नहीं गया है, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं किया है, बल्कि उधर अकबर इस बाबर गए हैं जो पीटीआई के बानी अरकान में से थे जी। जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं, जो एक लंबे अरसे तक इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ डील करते रहे। और मैं समझता हूँ कि एक लंबे अरसे तक इमरान खान और पीटीआई के साथ बाबर अकबर इस बाबर जैसा मुखलिस बंदा मैंने कोई नहीं देखा था। अच्छा। और वो अब भी ये कहते हैं कि मैं पीटीआई से आगे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं पीटीआई को उसकी मंशूर की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। तो जाहिर बात है कि अगर कोई मुखालिफ होता तो हम ये समझते कि ये साजिश है। फिर तीसरी बात ये कि वो अभी इस केस को अकबर इस बाबर आज नहीं, आपकी ये तलखी पैदा हो गई है या नवाज शरीफ साहब नाहल हो गए तो वो, बल्कि वो सालों से जब दिलीप साहब की भी उनके साथ इस तरह के मामला नहीं थे, जब पीपल्स पार्टी की भी उनके साथ तलखी नहीं थी, तो वो उस वक्त से ले गए हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी रियायतें दी और जितने बार बार उनको मोहलतें दी तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी भी कैंडिडेट को वो रियायतें नहीं दी उतना सब जिस तरह इमरान खान साहब के मामले में वो किया जा रहा है। तो बाकी उनका तो यही काम है कि देखें माजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या लहजा इस्तेमाल किया, खुद जिस पार्लियामेंट की बालादस्ती की कभी कभार वो बात करते हैं उस पार्लियामेंट के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उससे अपने मेम्बरान को मुस्तफी करवाया गया। फिर आप देखें कि खुद उस पार्लियामेंट में साल साल गुजर जाते हैं, पिछले पूरे पार्लिमानी साल में इमरान खान साहब की सिर्फ दो हाजिरियाँ थी, वो उसको भी अपने शान के खिलाफ समझते जी, हैं जी। तो ये पीपल्स पार्टी की पीटीआई की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि जिस इदारे के साथ, वो मीडिया का कोई इदारा हो, वो जुडिशरी हो, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पार्लियामेंट हो, अगर उसके साथ उनकी कोई कन्फ्रंटेशन आती है तो ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है कि अटैक करो पहले से और उसको डिफेंसिव पर ले आओ। तो मेरे ख्याल में इसीलिए आज वो इलेक्शन कमीशन के साथ भी वो यही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन का आप देखें कि जो इससे पहले कमिश्नर थे वो इनकी मर्जी से बनाए गए थे, उनको इन्होंने अप्रिशिएट भी किया था शुरू में। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, मतलब पहले वो इदारों पे या लोगों पे प्रेशर डालते हैं, पहले वो हाईलाइट करते हैं इशू को, उसके बाद फिर वो फैसला करते हैं करना क्या है। अब मिलके बैठ के बात करनी है और बात वही है कि मसले का हल पार्लियामेंट होता है या फिर आपकी अदालतें होती हैं जहां जाके आप अपने इश्यूज लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको सड़कों पे आने की या उसके लिए आपको फिर धरना टैक्टिक्स अपनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, साथ साथ सभा जहाँ पे आप बात कर रही है इमरान खान की, तो उनकी एक अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह की नाहली का केस मेरे ऊपर साबित हो जाता है तो मैं चुप करके अपने घर बैठ जाऊँ, इस तरह से शोर नहीं मचाऊंगा, टकराव नहीं चाहूंगा। ये भी बड़ा उनका जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा र्यूमर आउट कर रहा है कि जी अगर मेरे ऊपर ये साबित हो जाता है तो मैं बैठ जाऊंगा। तो इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे तज़ियाकार और सियासतदान जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि खान साहब को कुछ पता है कि मैंने जो मनी ट्रेल है वो आगे पीछे की है और वो इस तरह की बात इसीलिए, ये तो वक्त बताएगा कि जो है वो क्या होता है और क्या नहीं होता। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा, बट डोंट गो एनीवे, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज।